वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा कीटो एसिडोसिस। आज का टॉपिक है हमारा कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, कीटोन बॉडीज जो है हमारे ब्लड या यूरिन में आने लगती हैं, जिसके वजह से कीटो एसिडोसिस होती है। अब ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, कीटो और एसिडोसिस। कीटो आपका कीटोन बॉडी से है और एसिडोसिस इसलिए क्योंकि जो ब्लड की एल्किनिटी होती है वो कम हो जाती है और वो एसिडिक हो जाता है। क्यों एसिडिक हो जाता है, क्योंकि जो आपकी कीटोन बॉडी है जैसे एसिटो एसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसके वजह से इनका कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है और ये एसिडोसिस कॉज करते हैं। ठीक, अब इसके कॉजेज हम देख लेते हैं, ये किस वजह से होता है। कीटो एसिडोसिस तीन कारणों से होता है, एक तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है अनट्रीटेड प्रोलॉन्ग डायबिटीज मिलिटस टाइप वन डायबिटीज जिसको है उस, और वो अनट्रीटेड फॉर्म में है तो उसको भी कीटो एसिडोसिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अंडर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कंडीशन, और प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कंडीशन में भी कीटो एसिडोसिस होने की संभावना होती है। ठीक, अब इन सारे प्रोसेस में एक चीज हम देख रहे हैं कॉमन है, वो है कि सेल और जो टिश्यूज हैं उनको जो है ग्लूकोज प्रॉपर मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से वो एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। तो उनको एनर्जी जनरेट करनी है तो इस वजह से वो क्या करेंगे, वो बीटा ऑक्सीडेशन का यूज करेंगे और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे और इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब चेंज करेंगे तो ये क्रेब साइकिल में जाएगा और जिससे क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसको हम समझ लेते हैं क्या लिखा है। इन ऑल द अबव कॉजेज वन थिंग इज कॉमन, दैट द सेल्स डू नॉट गेट प्रॉपर ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। सेल्स को क्या है, इन सारी कंडीशन में सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। कब कब नहीं मिल रहा है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जब वो लेता है, ज्यादा कोई अमाउंट में लेता है तो उसको, उसके सेल्स को जो है ग्लूकोज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, कोई एक्सेसिव कंजप्शन कोई कर रहा है तो वो क्या करता है, वॉमिट करता है, तो जितना पेट में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है वो सारा बाहर आ जाता है। इस वजह से क्या है, वो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ग्लूकोज उसे नहीं मिलता। दूसरी चीज ये है कि जो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं उनमें इंसुलिन का सेक्रेशन जो है कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल तो रहता है, ब्लड में ग्लूकोज रहता है, लेकिन वो आपका सेल्स या टिश्यू द्वारा यूटिलाइज नहीं हो पाता। दूसरा है आपका अनट्रीटेड प्रोलॉन्ग डायबिटीज मिलिटस टाइप वन, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है उस केस में जो है कीटोन बॉडीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है, जिसके वजह से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ज्यादा होने लगता है तो वो कीटोन बॉडी बनाता है और इतनी बनाता है कि उसकी कंसेंट्रेशन ब्लड और यूरिन में आने लगती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कीटो एसिडोसिस। सबसे पहला है टाइप आपका अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। ये क्या होता है, अकर ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ, कोई ज्यादा शराब का सेवन करता है उस केस में ये अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस होती है। कंजप्शन कॉजेस माल नरिशमेंट, मतलब माल नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, माल मतलब होता है कम, बुरा। नरिशमेंट मतलब कि जो सेल्स को प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए होती है वो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से कम हो जाती है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग में ऑल्सो रिजल्ट इन वॉमिटिंग, दस नॉट ईटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए जो पेशेंट होता है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता है, वॉमिटिंग कर देता है, रिजल्टिंग इन स्टार्वेशन फॉर फर्दर रिड्यूसेस इंसुलिन प्रोडक्शन। और ये क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है, ये इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम कर देता है। दस पर्सन में डेवलप अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस, इस वजह से आदमी को अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस हो जाती है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होने लगता है, कंफ्यूजन एंड एजिटेशन, वो कंफ्यूजन स्टेट में रहता है या एजिटेशन एकदम एक्साइटेड रहता है, रिड्यूस अलर्टनेस
अलर्टनेस की कमी हो जाती है, और कॉमा, कभी किसी किसी केस में वो कॉमा में भी, कोमा में भी चला जाता है, और वो थकान उसको महसूस होती है और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? इसकी डायग्नोसिस हम करते हैं अमाइलेज और लाइपेज टेस्ट से। ये टेस्ट क्या होते हैं? ये टेस्ट मॉनिटर करते हैं फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज और डायग्नोस पेनक्रियाटिस। ये पेनक्रियाज देखते हैं कि प्रॉपरली, क्योंकि अमाइलेज एंजाइम पेनक्रियाज से मिलता है, तो ये बताते हैं कि पेनक्रियाज हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा क्या है? आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। दीज टेस्ट मेजर लेवल्स ऑफ ब्लड ऑक्सीजन एंड एसिड बेस बैलेंस। इससे क्या होता है? इससे हम ब्लड ऑक्सीजन को मेजर करते हैं इस टेस्ट से, और एसिड बेस बैलेंस को हम चेक करते हैं। मतलब कि ब्लड में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन है कि नहीं, इससे ये चेक करते हैं, और एसिड बेस उसमें बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं ब्लड में। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। अब क्योंकि मैं बताया था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो दीज टेस्ट मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इन तीन तरीकों से हम पहचान सकते हैं कि अल्कोहलिक कीटोसिस है कि नहीं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो डायबिटीज की वजह से कीटो एसिडोसिस होती है। दिस इज ड्यू टू मिस्ड इंसुलिन ट्रीटमेंट। मतलब इसमें आप जो डायबिटीज डिपेंडेंट पेशेंट है उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो और इनएडिक्वेट इंसुलिन दे रहे हो, तो उसमें जो है इन पेशेंटों में आपको कीटो एसिडोसिस दिखाई देती है। और सबसे पहला जो सिम्टम होता है, उनकी सांस में से एसीटोन की महक आती है। मतलब कि एक नेल पेंट की जैसी एक महक आती है, क्योंकि एसीटोन जो है पूरा हमारे उस इन पेशेंटों से नाक के द्वारा रेस्पायर आउट होता है। अच्छा, सिम्टम देख लेते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज डेंजरस। ये काफ़ी डेंजरस होता है। इट मे लेड टू कॉमा। इसमें कोमा की स्थिति में पेशेंट जा सकता है, इवन डेथ इफ नॉट ट्रीटेड, और उसकी डेथ भी हो सकती है अगर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया जाए। और दूसरा क्या सिम्टम होता है इसका? पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होता है, जैसे कि अल्कोहलिज्म के केस में था। इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इसमें भी क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग होती है, और कन्फ्यूजन होता है, और फटीग, जल्दी जल्दी थक जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीट फ्रूटी ऑर्डर इन ब्रेथ। उनकी सांसों में जो है स्वीट फ्रूटी ऑर्डर, मतलब महक, जो स्वीट ऑर्डर है वो सुगंध आप कर सकते हैं, वो कैसी महक होती है? जस्ट लाइक नेल पॉलिश रिमूवर, जैसा नेल पॉलिश रिमूवर की जो सुगंध होती है वैसी ही ऐसे पेशेंटों की होती है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ब्लड एंड यूरिन, इसमें देख लेते हैं कि कीटोन बॉडीज है कि नहीं। ठीक है, ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हम चेक कर लेते हैं कि अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रही है या ब्लड में आ रही है, तो यानी कि उसको कीटो एसिडोसिस है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? रैपिड ट्रीटमेंट और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट मेटाबॉलिक। इसमें आप उसका जो है डायबिटीज कंट्रोल कर लें, उसको इंसुलिन दे करके आप उसका डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, तो जिसके वजह से क्या होगी, जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है वो भी उसकी ठीक हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या ठीक हो जाएगी? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी उसकी वजह से ठीक हो जाएगा जब आप type 1 डायबिटीज ट्रीट करेंगे। तीसरा पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज नेसेसरी टू स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यू एंड इनहिबिशन ऑफ कीटोजेनेसिस। इसमें क्या है, हम इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कि क्या स्टिमुलेट करता है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अपटेक, मतलब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स और बाय द टिश्यू। और अगर सेल्स जो है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करने लगते हैं, यानी कि
बीटा ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम जब ज्यादा नहीं होगा तो कीटोन बॉडीज नहीं बनेंगी, और कीटोन बॉडीज नहीं बनेगी तो कीटोजेनेसिस नहीं होगी और कीटो एसिडोसिस नहीं होगी। थैंक यू।